नमस्कार। आज का टॉपिक है बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य यानी सीमांध्र प्रदेश राज्य को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा भारत सरकार यानी संघ सरकार देती है और विशेष राज्य का दर्जा बिहार के सरकार के द्वारा और आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछले कई वर्षों से मांगी जा रही है, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया गया। लेकिन 18वीं लोकसभा में जो जनादेश मिला है उसमें बीजेपी की सरकार जनता दल यू बिहार की पार्टी और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी, ये दोनों के सहारे और ये दोनों एनडीए गठबंधन में है बीजेपी के साथ। तो इन दोनों टीडीपी और जदयू के सहारे एनडीए की सरकार बननी है। एनडीए की सरकार में इन दोनों पार्टियों का बड़ा महत्व रहा है और दोनों पार्टियों के द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से विशेष राज्य की दर्जा की मांग मांगी जाती रही है। इसके अलावे उड़ीसा राज्य ने भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग पिछले कई वर्षों से किया। नवीन पटनायक की सरकार, हालांकि अब 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा विधानसभा का भी चुनाव हुआ जिसमें नवीन पटनायक की सरकार चली गई है और वहां बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एक बार फिर उड़ीसा में विशेष राज्य की दर्जा की मांग शुरू हो चुकी। तो जो टॉपिक है आज, इस बार मिल जाएगा आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का दर्जा। आखिर इस विशेष राज्य के दर्जा का क्या फायदा है? तो विशेष राज्य का दर्जा की मांग प्रबल हो गई है। जो वर्तमान परिस्थिति उभर करके आया है कि इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में खंडित जनादेश मिला है, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि गठबंधन को एनडीए को जनादेश है, लेकिन इस गठबंधन में शामिल दो प्रमुख दल पहले से ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो है कि इस बार आम चुनाव लोकसभा इलेक्शन 2024 में खंडित जनादेश मिला है। इस समय ऐसी परिस्थिति बनी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलगम देशम पार्टी केंद्र में सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इन दोनों के सहयोग के बिना एनडीए की सरकार नहीं बन सकती है। जाहिर है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की उनकी पिछली मांगें फिर से फोकस में आ गई है। इस चुनाव में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी
ने 16 सीटें और जनता दल यू ने 12 सीटें जीती है। वे दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। ये परिस्थिति बन चुकी है कि बिना इन दोनों पार्टियों के सहयोग के बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सत्ता में नहीं आ सकती है। इसीलिए ये पुरानी मांग है, एक बार फिर जोर शोर से उठनी शुरू हो गई है। जोर शोर से बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ने अपनी मांगों को शुरू कर दिया है। जो विशेष राज्य का दर्जा है, बिहार ने कब की थी विशेष राज्य के दर्जा की मांग? तो बिहार द्वारा विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग बहुत पुरानी है, नई नहीं है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इसे तब उठाया था जब वह 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे 2005 में, और उनका कहना था कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद से, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से, तो बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य रह गया है। उन्होंने यह मांग पिछले साल नवंबर में भी तब दोहराई जब उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे 2023 के अंत में। जब जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार ने जारी किया था तो उस समय भी बिहार को गरीब पिछड़ा हुआ स्टेट माना गया और विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठती रही है। अब है कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के गठन की मांग भी पुरानी है। जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और एनडीए घटक के हिस्सा थे तो उन्होंने ये मांग उठाई थी। चंद्रबाबू नायडू भी विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बहुत पहले से अभियान चला रहे हैं। जब साल 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया तो उसके राजस्व यानी रेवेन्यू के एक बड़े हिस्से का नुकसान हुआ। जो नुकसान बिहार को उठाना पड़ा था वही नुकसान आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनने से आंध्र प्रदेश को हुआ। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने साल 2017 में राज्य को विशेष देने की मांग उठाई थी, यानी राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई थी। तो देखिए, बिहार में नीतीश जी 2005 में मांग उठाए थे और आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू 2017 में विशेष दर्जा की मांग उठाए। वह अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में पुनः स्थापित करने की अपनी अस्थगित योजना को पुनर्जीवित करने की भी उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता होगी। क्योंकि आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी तेलंगाना के साथ, लेकिन आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी बनाना है अमरावती, और उसके लिए काफी धन की भी जरूरत है। अब इन दोनों राज्यों के अलावे उड़ीसा भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठा चुका है। उड़ीसा की तरफ से भी उठ चुकी है मांग। उड़ीसा में लंबे समय तक बीजू जनता दल की सत्ता रही, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा विधानसभा का भी चुनाव हुआ।
जहां बीजू जनता दल की सत्ता चली गई है, बीजेपी वहां बहुमत में आया है, तो लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा विधानसभा के भी मतदान हुआ, जिसमें हालांकि नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को सफलता नहीं मिली, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहते हुए नवीन पटनायक ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उनके मांग को केंद्र सरकार ने तवज्जो नहीं दिया। अब जबकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो माना जाता है कि उस राज्य को भी विशेष श्रेणी का दर्जा मिल सकता है, यानी बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा को भी विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिलने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है। विशेष राज्य का दर्जा कब से? संविधान लागू होने के बाद आखिर कब से ये विशेष राज्य के दर्जा की शुरुआत हुई, स्पेशल स्टेट कैटेगरी की शुरुआत हुई है? तो वर्ष 1969 ईस्वी में, पांचवें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और हर पांच वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग के गठन का गठन करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे महावीर त्यागी ने गाडगिल फार्मूले के आधार पर तीन राज्यों, उस समय के तीन राज्य, अब इसमें दो राज्य बच गए हैं, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा असम और तीसरा नागालैंड को, अब जम्मू कश्मीर की राज्य की पोजीशन समाप्त हो चुकी है, उस समय तीन राज्यों को 1969 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा दिया था। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था। इन तीनों ही राज्यों को विशेष दर्जा देने का कारण, इन राज्यों का देखिए क्राइटेरिया क्या था, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था। तो सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और भौगोलिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए 1969 ईस्वी में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद कुछ और राज्य इस सूची में शामिल हो गए हैं। 11 राज्य वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा की श्रेणी में है। विशेष राज्य का क्या है मापदंड? आखिर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए उसका क्या है मापदंड, मानदंड? हालांकि सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और भौगोलिक पिछड़ापन के आधार पर 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो मापदंड है, मानदंड, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड बनाए थे। अब जो मापदंड था उसमें देखिए, एक नंबर जिनमें राज्य का संसाधन, प्रति व्यक्ति आय, राज्य की आमदनी के स्रोत, राज्य में जनजातीय यानी ट्राइबल आबादी, पहाड़ी और दुर्गम इलाका,
जनसंख्या का घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रतिकूल स्थान और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होना है, ये इतना मापदंड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अनुसार। और जो भी राज्य इस मानक को पूरा करता था उसे यह दर्जा यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो जो मापदंड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, उसमें देखिए पहला है राज्य का संसाधन, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है राज्य की आमदनी के स्रोत, चौथा है राज्य में जनजातीय आबादी, पांचवा है पहाड़ी और दुर्गम इलाका, छठा है जनसंख्या का घनत्व, सातवां है प्रतिकूल स्थान और आठवां है अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास होना। ये आठ मापदंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा निश्चित किया गया है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए। और जो भी राज्य इस आठों मानक को पूरा करेगा उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। आखिर विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होता है फायदा, क्या उस राज्य को विशेष सुविधाएं मिलती है? तो कहता है कि जब योजना आयोग था, प्लानिंग काउंसिल, योजना आयोग स्थापित हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, और योजना आयोग चूंकि था तो अब भंग हो चुका है, तो योजना आयोग भंग हो गया 31 दिसंबर 1914 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1914 को भंग हो गया और स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो जब योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन था तो केंद्र के सकल बजट में प्लांड एक्सपेंडिचर यानी कि योजनाबद्ध खर्च, जिसकी चर्चा योजना में होती है प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है, तो प्लान एक्सपेंडिचर का लगभग 30% हिस्सा उन राज्यों को दिया जाता है जिनको विशेष श्रेणी के राज्यों में रखा गया है। तो केंद्र सरकार के सकल बजट का, सकल मतलब कुल बजट का, ग्रॉस प्रोडक्ट का, ग्रॉस बजट का, में जो प्लांड एक्सपेंडिचर है योजना व्यय, उसका 30% हिस्सा, तो योजना व्यय का 30% हिस्सा उन राज्यों को दिया जाता है जिनको विशेष राज्य के श्रेणी में रखा गया है। ये बहुत बड़ी सुविधा, केंद्र सरकार का जो कुल बजट है उसमें जो प्लान एक्सपेंडिचर यानी योजना पर खर्च होना है उसका 30% हिस्सा उस राज्य को दे दिया जाएगा जो विशेष राज्य की श्रेणी में है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को ऋण स्वैपिंग स्कीम और ऋण राहत योजना का लाभ भी मिलता था। देखिए पहली सुविधा है ये केंद्र के सकल बजट में 30%, और दूसरी सुविधा है कि ऋण स्वैपिंग स्कीम और ऋण राहत योजना का भी लाभ उसको मिलता है। तीसरा, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को एक और छूट थी, और क्या छूट थी कि केंद्र सरकार से मिले पैसों के उपयोग का, मतलब कि किसी वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि यदि उस वर्ष
पूरी खर्च नहीं हो पाती थी तो उसे अगले वित्त वर्ष में खर्च करने के लिए जारी कर दिया जाता था। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो धन राज्यों को दी जाती है खर्च करने के लिए, उसका नियम था और है भी कि उसी फिनेंशियल ईयर में उस धन को खर्च कर देना है। अगर खर्च नहीं कर सके तो शेष बचा हुआ धन जो है वो केंद्र को लौट जाएगा। लेकिन विशेष श्रेणी के राज्य को यह सुविधा थी कि अगर उस फिनेंशियल ईयर में आप धन खर्च नहीं कर सके हैं तो बचा हुआ धन अगले फिनेंशियल ईयर में आप खर्च कर सकते हैं। जो वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा है वो 11 स्टेट को दर्जा मिला हुआ है विशेष राज्य का। असम को यह दर्जा है, नागालैंड को दर्जा है, हिमाचल प्रदेश को दर्जा है, मणिपुर को दर्जा है, मेघालय को दर्जा है, सिक्किम को दर्जा है, त्रिपुरा को दर्जा है, अरुणाचल प्रदेश को दर्जा है, मिजोरम को दर्जा है, उत्तराखंड को दर्जा है और तेलंगाना को दर्जा है। 11 राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा अभी मिला हुआ है, जिसमें सबसे नया दर्जा जो मिला है वो तेलंगाना को मिला हुआ है। तेलंगाना विशेष श्रेणी के राज्य वाला 11वां राज्य है। लाभ क्या है? विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने से क्या लाभ है? कुछ लाभ की चर्चा हम लोग किए और कुछ लाभ और है। तो लाभ देखिए इसका क्या है। अतीत में जो विशेष श्रेणी का राज्य था, गाडगिल फार्मूले के द्वारा निर्धारित लगभग 30% केंद्रीय सहायता मिलती थी, जो हम लोग चर्चा किए कि केंद्रीय बजट के प्लान एक्सपेंडिचर का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी के राज्य के लिए आवंटित होता है। लेकिन वो अतीत हो गया है, बीता हुआ। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा योजना आयोग के विघटन के बाद विशेष श्रेणी के राज्य का यह सहायता सभी राज्यों के लिए वितरण पूल फंड, डिविजिबल पूल फंड के बड़े हस्तांतरण में शामिल कर दी गई है, जो कि 15वें वित्त आयोग में 32% से बढ़ा करके 41% कर दी गई है। अब देखिए जो सुविधाएं थी विशेष श्रेणी के राज्य को, 30% केंद्रीय बजट के प्लांट एक्सपेंडिचर का, वो सुविधाएं 15 वित्त आयोग के द्वारा खत्म कर दी गई। और उसको खत्म कर देने के कारण यह सहायता अब सभी राज्य को जो विशेष श्रेणी में है और जो विशेष श्रेणी में नहीं भी है, उस सब बराबर हो गए। और केंद्रीय सहायता जो 32% मिलता था उसको बढ़ा करके अब 41% कर दिया गया है। यानी विशेष श्रेणी के राज्य की दर्जा की मिलने की जो मांग हो रही थी वो मांग को कमजोर कर दिया गया है और सभी राज्यों को बराबर की श्रेणी में रख दिया गया है। दूसरा, केंद्र विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% का भुगतान करता है। ठीक है, जो विशेष श्रेणी के दर्जा प्राप्त राज्य हैं उसमें जो केंद्र प्रायोजित, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती है उसका 90% का भुगतान केंद्र करता है, जबकि
अन्य राज्यों के मामले में यह 60% या 75% है। यह देखिए सुविधा कि विशेष श्रेणी के राज्यों को 90% तक केंद्र प्रायोजित योजना का खर्च केंद्र देती है और जो विशेष श्रेणी से बाहर के राज्य हैं उसमें केंद्रीय सहायता 60% से 75% होती है केंद्र प्रायोजित योजना में, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ये बहुत बड़ी छूट है कि 90% तक सुविधा वहां मिला और विशेष वाले को 60 से लेकर 75 तक, अन्य को विशेष को 90% तक। तीसरा जो हम लोग चर्चा पूर्व में किए, एक जगह है एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता है, यह सुविधा विशेष राज्य को है। चौथा, इन राज्यों को उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी एवं सीमा शुल्क यानी कस्टम, आयकर, इनकम टैक्स एवं कॉरपोरेट कर यानी निगम कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती है। यह बहुत बड़ी छूट कि उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में छूट, सीमा शुल्क यानी कस्टम में छूट, आयकर यानी इनकम टैक्स में छूट और कॉरपोरेट टैक्स यानी निगम कर में महत्वपूर्ण छूट विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाती है और साथ में केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है। ये सुविधाएं मिलती है, लेकिन अब वर्तमान व्यवस्था को देखिए, वर्तमान व्यवस्था बदल चुकी 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद। विशेष राज्य की श्रेणी के मांग को महत्वहीन करने के लिए ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू किया गया और वर्तमान व्यवस्था देखिए क्या है कि केंद्रीय निधि के यानी केंद्रीय फंड के राज्यों को आवंटन की अभी जो व्यवस्था है उसमें विशेष श्रेणी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब वास्तविक स्थिति देखिए यही है, क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने और बाद में 15वां ने लागू किया गया राज्यों से विशेष श्रेणी की स्थिति की अवधारणा को हटा दिया है। तो 14वां वित्त आयोग की सिफारिशें विशेष श्रेणी की इस अवधारणा को हटा दिया। इसी वजह से केंद्र ने हाल के वर्षों में विशेष श्रेणी की स्थिति की मांग को काफी हद तक हतोत्साहित किया है, निराश किया है, कमजोर किया है। दरअसल विशेष श्रेणी का दर्जा तब महत्वपूर्ण था जबकि योजना आयोग का अस्तित्व था। उस समय प्लान एक्सपेंडिचर योजना व्यय के आवंटन में विशेष राज्यों को ध्यान में रखा जाता था, 30% की सुविधा। फिलहाल विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट कारगर नहीं है, जो हम लोग अभी पढ़े कि विशेष श्रेणी के राज्य का जो कॉन्सेप्ट रहा है 5वें वित्त आयोग की सिफारिश से लेकर के, वो कॉन्सेप्ट अब कारगर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अब ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो ये फिलहाल वर्तमान में विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट अब कारगर नहीं है और ये कारगर कैसे हो सकता है, तो इसके लिए सरकार को कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। EY इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव का कहना है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा एक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वह तब तक प्रासंगिक था जब तक योजना आयोग अस्तित्व में था, क्योंकि यह आम तौर पर योजना सहायता पर लागू होता था। चूंकि अब योजना सहायता की अवधारणा
मौजूद नहीं है, इसलिए बिना इसके लिए प्रावधान किए कोई फायदा नहीं हो सकता है। अगर सरकार कोई नया प्रावधान करे योजना पर, तभी पुराना कॉन्सेप्ट को फायदेमंद बनाया जा सकता है। हाँ, यदि सरकार चाहे तो नीति आयोग जैसी सरकारी बॉडी विशेष श्रेणी वाले राज्यों की सहायता के लिए कुछ विशेष प्रावधान करे, ये सरकार को करना पड़ेगा कि जो विशेष श्रेणी के राज्य की दर्जा में शामिल हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान नीति आयोग जैसी संस्थाएं करें, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा चाहने वाले राज्य तो इसके जरिए विशेष सहायता पैकेज के ही मांग कर रहे हैं। उद्देश्य ही है कि विशेष सहायता पैकेज, विशेष आर्थिक पैकेज की जो है वो मांग हो रही है, चाहे वो पुराने कॉन्सेप्ट से मिले तो पुराने कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया, और नया कॉन्सेप्ट यही है कि नीति आयोग और सरकार चाहे तो विशेष श्रेणी के राज्य में जो राज्य शामिल हैं और जिस नए राज्यों को शामिल किया जाएगा उसको सरकार विशेष आर्थिक पैकेज देने की व्यवस्था करे। आज के इस स्पेशल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।